नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा के साथ आज का दिन बहुत ही शुभ है दोस्तों, क्योंकि आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस है। आज 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं दोस्तों। आपने अगर दुकान की है या आप दुकान करना चाहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो अपने सारे कस्टमर्स को हम कुछ ना कुछ ज़रूर बेच देते हैं। कभी कभी जिन भाइयों ने दुकान किया होगा, आपने फेस किया होगा कि अगर आपके पास दिन में 10 कस्टमर आते हैं, क्या सभी कस्टमर खरीद के ले जाते हैं या उनमें से आधे कस्टमर नहीं खरीद के ले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है अपने साथ में? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है इस चीज़ के बारे में? अगर नहीं हुआ है और आपके पास कितने कस्टमर्स आते हैं डेली और उसमें से कितने कस्टमर ले जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ का पूरा रिलेशन इसी वीडियो में, और पूरा वीडियो देखिए, आपको जो है पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी कुछ ना कुछ सेल्स जो भी है, वेदर चाहे वो एक पीस सिंगल पीस ही क्यों ना आप उसको सेल करें, लेकिन आपको उसको बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही सही सुना है आपने, बहुत आसानी से आप सेल कर सकते हैं। और बहुत ही यूनिक आइडिया मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और बताना चाहूँगा, जैसे कि एक एग्जांपल है, कोई दुकान आपने की है, कुछ भी चीज़ माल रखते हैं, मान लीजिए एक साड़ी आप 100 रुपये की कहीं से खरीद के ला रहे हैं, उसको 200 रुपये में बेच रहे हैं, नॉर्मल सी कॉस्टिंग है, जो भी आपका 100% या 50% जो आपका मार्जिन आता है उसको साथ में लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि उसको 50% या 100% के मार्जिन पर आप सेल कर रहे हैं। 100 रुपये की चीज़ है, 200 में बेच रहे हैं, तो आपको जो मार्जिन सेट हो रहा है वो क्लियर है। बट यहाँ पे कस्टमर जो हो रहे हैं वो कितने एवरेज में आपके पास से खाली जा रहे हैं, उस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए, क्योंकि वो आपकी सेल्स में बहुत ही ज़्यादा जो है वैल्यू क्रिएट करके देता है। सपोज दैट आपके पास 10 कस्टमर आते हैं टोटल दिन भर में, और उन 10 में से 5 या 6 लोग आपसे कुछ ना कुछ ले जाते हैं, और उसके बाद 4 या 5 लोग खाली चले जाते हैं। तो वो 4-5 लोग खाली जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अपना बिजनेस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उन 4 लोगों में से, अगर वो 10 लोगों को जाके हमारे दुकान के बारे में बताते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 40 लोगों की इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारी जो दुकान की होती है वो उनके पास पहुंच जाती है, और वो नए सेल्स को जनरेट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी गुणांक जो किया जाता है, जैसे मैंने 4 कस्टमर की ही बात रखी है यहाँ पे, जो 4 कस्टमर खाली जा रहे हैं वो अगर 10 लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वो ज़रूर कहीं ना कहीं शेयर करेंगे, और आपका अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो 10 लोग रेफरेंस के थ्रू आपके पास आ जाएंगे। तो उन 4 लोगों को हमें कुछ ना कुछ ज़रूर जो है रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आप मान के चलिए कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 200 रुपये में बेच रहे हैं, आप वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं, कस्टमर बोलता है नहीं जी हमको तो 150 रुपये में चाहिए, आप सोचेंगे कि मेरे को 50 का ही मार्जिन आ रहा है, दे दीजिए। कभी कभी कस्टमर क्या होगा कि आप 100 की लेके आए हैं और आप से जो है वो 100 की ही मांगता है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, कि अगर कोई कस्टमर ऐसा फर्स्ट टाइम आपके पास आया है तो आप उसको बार्गेनिंग कीजिए, मैक्सिमम जहाँ तक भी आप ले जा सकते हैं, आप एक अपना प्राइस है उस प्राइस से जो है सेटिंग तक ले जा सकते हैं आराम से। अगर आपको मार्जिन नहीं भी मिल रहा है तो भी आप फर्स्ट टाइम कस्टमर आया तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है, और आपको वो प्रोडक्ट अगर 100 में लाएँ तो 100 में भी दे सकते हैं आप आराम, क्योंकि दोस्तों वो 40 कस्टमर आराम से लाने वाला है। ये चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करना है, क्योंकि कहते ना कि जैसे गुणांक होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक थोड़े थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं और एक लास्ट में जो टाइम आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से अपना बिज़नेस भी होता है, और अगर हम उसमें छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो वो डेफिनेटली है कि हमको एक बड़े स्टेप पे ले जा सकते हैं। आप घर से बेच रहे हैं, आप कभी शॉप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जो है बड़ा शोरूम डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट आएगा तभी तो डालेंगे ना, तो वो प्रॉफिट को अपने को कैलकुलेट करना है। कभी भी अपनी दुकान से कोई भी कस्टमर खाली ना जाए, ये चीज़ बहुत ही गौर करनी है। इससे जुड़ी और भी आप अगर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कस्टमर जो है रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है, मेरे और भी वीडियो पे आप जो है देख सकते हैं, आई बटन का लिंक आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे जो है वीडियोस मेरे मिल जाते हैं। आप यूट्यूब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का है, आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड, जो कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर कवर किए हुए हैं दोस्तों।
और इसी तरीके से अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, अभी तक 2021 में आपने नहीं चालू किया है, कपड़ों का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है 2022 में। वैसे तो कोविड चल रहा है, लेकिन आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर लेते हैं। डिजिटल मीडियम जो है, फ़ोन का माध्यम से जो है, आप व्हाट्सअप पे भी जो है सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है आइडियाज़ है। तो इस तरीके से जो है आप काफ़ी आराम से सेल कर सकते हैं। केवल आपको क्या है उस पे जो है आपको एक्शन लेना है, और एक्शन लेने का सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा किसी भी मैन्युफैक्चरर से जो माल आपको बेच रहा है। क्योंकि माल बेचने के साथ साथ में आपको अगर कस्टमर गाइड कर रहा है तो ये सोने पे सुहागा होता है दोस्तों। अगर आपको आगे ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली है सेल्स और इन सब चीज़ों से कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है, कैसे माल बेचना है, वो सब सारी बातें वो सिखाता हो मैन्युफैक्चरर। तो आपको जो है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर कपड़े का बिज़नेस आप करना चाहते हैं, लेडीज़ वियर का कलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बहुत आसान है, नीचे दिया गया नंबर से इस पर कॉल कर लीजिए, बहुत आराम से यहाँ से माल मंगा सकते हैं और अपना बिज़नेस घर बैठे चालू कर सकते हैं दोस्तों। अब ये बात आती है कि अब जो चार कस्टमर्स को जो मैंने बताया ना कि कन्विंस कर लीजिए, पहला जो पॉइंट होता है सेल्स का वो ज़रूर आप रखिए। चाहे आपको उसमें कुछ भी ज़्यादा मुनाफा ना मिलता हो, सेम रेट पे भी आपको देना पड़े वो प्रोडक्ट, तो आप आराम से उसको दे दीजिए। लेकिन दोस्तों उससे जो है उसका आपके प्रति, आपके दुकान के प्रति, आपके बिज़नेस के प्रति जो है ट्रस्ट बन जाएगा, और जब ट्रस्ट बन जाएगा तो वो कस्टमर आपके लिए हो गया। अगर एक कस्टमर 10 लोगों को बताता है तो 10 कस्टमर 10 को बताते हैं, और इसी तरीके से जो कहते हैं ना गुणांक का जो दौर है वो चालू हो जाता है, और बिज़नेस कब कहाँ से पहुँच जाएगा किसी को नहीं पता है। ये गेम है, और गेम में आपको केवल और केवल आपको अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करनी है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। तो इसलिए जो है आपको ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान रखने हैं कि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान से वापस ना जाए। इसके लिए आप 110% पूरी मेहनत कीजिए, पूरा फीडबैक लीजिए उससे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कस्टमर जो है वो दुकान पे जाता है, और जब हमसे कोई चीज़ बार्गेनिंग करने के लिए बोलता है कि भई ये 200 की चीज़ है, ये 150 में फला बेच रहे हैं, ये तो बाजू वाली दुकान में 150 का बिक रहा है, आप 200 में क्यों दे रहे हो? तो अब वहाँ पे कस्टमर जो है आपको पिन करना चाहता है कि आप नीचे आके ये प्रोडक्ट दीजिए, मतलब वो रेट जो है आपसे वो चाहता है, ख़रीदना चाहता है, प्रोडक्ट उसको पसंद आया है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है रेट की, तो आप उसको ज़रूर कन्विंस कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो प्रोडक्ट ज़रूर ले जाए। वेदर उसमें जो है चाहे आपको बेशक चाहे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट ज़रूर सेल करना है दोस्तों। तो चूँकि ये जो है गुणांक कैलकुलेशन जो है वो आपके बिज़नेस को ग्रोथ करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास वो कस्टमर्स बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। एक कस्टमर आपका जो है दोस्तों वो कैसा एक्सपीरियंस लेके जाता है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए और फीडबैक उससे लीजिए। उसका नाम मोबाइल नंबर भी ले लीजिए जो प्रोडक्ट लेके गया है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। कभी कभी होता है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको रियली बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि कभी कभी दुकान से कस्टमर लेके चला जाता है, प्रोडक्ट उसको समझ में नहीं आता है, या प्रोडक्ट ले गया रिलेबल नहीं हुआ, उसको यूज़ किया लेकिन उसको तरीका नहीं मालूम था, आपने पूरा तरीका नहीं शेयर किया। कभी कभी दोस्तों अगर कभी एक ड्राई क्लीन की साड़ियाँ होती हैं, लोग लेके जाते हैं उसको डायरेक्ट पानी में डीप करके रशन करके धो देते हैं, तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों जो चीज़ें हैं उसको शेयर कीजिए, फीडबैक शेयर कीजिए। और कभी क्या होता है वो कस्टमर लेके गया है, वो आपसे मन मुटाव कर लेता है, दोबारा नहीं आना चाहता है, तो आपके पास नंबर रहेगा तो आप फीडबैक ज़रूर ले पाएंगे। तो आप अपने कस्टमर का जो है नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर रखिए। कोई भी एक्स वाई जेड कस्टमर है, चाहे आप उसको मार्जिन पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, या ना प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, लेकिन आपको इस पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है कि आपको जो कस्टमर ले जा रहा है आपके यहाँ से प्रोडक्ट, वो चीज़ जो ज़रूर उसको जो है उसका फीडबैक ज़रूर लेते रहे रेगुलरली। इस तरीके से जो है आप अपने सेल्स को काफ़ी डबल कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई सिस्टम है, और मल्टीप्लाई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपकी बिज़नेस को काफ़ी ग्रोथ जो है प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू जो है आप काफ़ी अच्छा बिज़नेस, आप अपना बिज़नेस बिल्डअप कर सकते हैं। इससे जुड़ी और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो एक बार मेरे से जुड़ जाइए, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी नंबर
नंबर दिया गया है। आप अगर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो आप सूरत विजिट कीजिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में विजिट कीजिए, आपको यहाँ पे ट्रस्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे 6 महीने तक की पूरी गारंटी मिल जाती है, कपड़ा बेचने की गारंटी है। किस तरीके से आपको टेस्ट समझना है कस्टमर का, वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बता देती है। कपड़ों के बिजनेस में काफ़ी जो है आपको ट्रस्ट मिल जाता है, चूँकि 40 सालों का एक्सपीरियंस आपको एक दुकान जो यहाँ पे मिल जाता है कंपनी में, वो हर कोई नहीं बताता है दोस्तों। तो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा वीडियो कहीं से भी आपको मिला हुआ है, एक बार ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए, नीचे जो दिया गया नंबर से इस पर कॉल करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है दोस्तों। और अपने फ़ायदे के लिए कौन नहीं आगे बढ़ता है, तो क्या आप राजी हैं 2022 में आप घर से शुरुआत करने के लिए और उस बिज़नेस को 2022 में ही कम्प्लीटली शोरूम में कन्वर्ट करने के लिए? आप और भी जानकारियां चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके से मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो कवर करके आपको ला के देता रहूँगा। और इसी आशा विश्वास के साथ में मिलता रहूँगा एक नए नए वीडियो के साथ में। और दोस्तों अपने को अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना का, उससे बचा के रखिए, मास्क पहनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी का जो है ध्यान रखिए, हाथ हमेशा धोते रहिए, क्योंकि समय थोड़ा सा अभी ऐसा चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक समय है, तो आप इससे सेफ रहिए और बिज़नेस को बढ़ाते रहिए। इसी तरीके से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।